बुरहानपुर जिले में कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काटने के बाद उन्हें सुविधाएं ना देना एक आम बात हो गई है। और ऐसा ही एक मामला हनुमान नगर कॉलोनी के सामने आया है, जहां एक कॉलोनाइजर ने हनुमान नगर नाम से कॉलोनी काटी और सुविधाएं देने के नाम पर मुंह फेर लिया। वहीं अब रहवासियों और प्लॉट लेने वालों से अतिरिक्त राशि भी मांगी जा रही है। दरअसल कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि मोहम्मदपुरा में सन सिटी कॉलोनी के सामने हनुमान नगर नाम से वैध आवासीय कॉलोनी काटी गई है, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा वादा करने के बाद भी बिजली, पानी, रोड और नाली की सुविधा नहीं दी गई। इसके आगे उन्होंने बताया कि कॉलोनाइजर ने पहले भूखंड धारकों से पैसा लेकर रजिस्ट्री करके दी गई, लेकिन अब कॉलोनी के विकास के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। इससे मकान निर्माण करने वाले खरीदारों को काफी परेशानी आ रही है और कई प्लॉट खरीदने वाले खरीदारों ने बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन बिजली, पानी, नाली, निकास की सुविधा नहीं होने से मकान निर्माण का काम नहीं हो पा रहा है, जबकि बैंकों का ब्याज भी चालू है। कॉलोनाइजर ने विकास का कोई काम नहीं कराया। बता दें कि यही शिकायत लेकर कॉलोनी वासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस मामले की शिकायत की, जिस पर अफसरों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी कार्यालय में शिकायत करने आए हैं। हमने हनुमान नगर मोहम्मदपुरा में प्लॉट लिए हुए हैं, हमारा लोन हो चुका है, 1.5 साल से हम उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं। कॉलोनाइजर कोई भी व्यवस्था करके नहीं दे रहा है, बिजली के खंभे गाड़ दिए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर डीपी लगी नहीं है, ना पानी की निकासी की सुविधा है वहाँ, और ना ही वहाँ पर बोर में मोटर डाली गई है। आश्वासन हमको 3 साल पहले उसने बोला था कि यहाँ मैं कॉलोनी काट रहा हूँ, आप यहाँ लीजिए, मैं पूरी सुविधाएँ दूंगा। हमको पंपलेट बांटे गए थे, उसके बाद में मतलब कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। दो बार पहले भी फ्रॉड कर चुका है, रजिस्ट्री का मतलब सौ चिट्ठी करने के बाद में प्लॉट किसी और को बेच दिया गया। उसके बाद में शिकायत डाली गई थी साल भर पहले भी इसकी कि ये हमारे साथ में फ्रॉड कर रहा है। हनुमान नगर में मेरा मकान बना हुआ है, मकान वहाँ बना हुआ है और वहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। उन्होंने 15 महीने पहले बोला था कि मैं बिजली और पानी की व्यवस्था करके दूंगा, मैंने उनके भरोसे पर मैंने पूरा वो मकान का काम चालू कर दिया, या लोन भी उसके हिसाब से निकाला था मैंने। अब वो पूरा अभी तक के मेरे मकान बन चुका है, अभी तक के उन्होंने बिजली पानी की व्यवस्था कुछ भी की नहीं है। अब वो 60,000 रुपये की मेरी मांग कर रहे हैं और बोले मैं व्यवस्था करके दूंगा। अब जब उन्होंने कुछ भी कोई अभी किया नहीं तो कैसा क्या करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, जिस तरीके से हनुमान नगर से ये मामला सामने आया है कि कॉलोनी जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने कॉलोनी तो काटी, लेकिन उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं दे रहे हैं और रहवासियों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है, तो अभी की स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके का माहौल है? जी आकांक्षा जी, बात करें बुरहानपुर में हनुमान नगर ही नहीं बल्कि ऐसी अनेक अवैध कॉलोनियां हैं जहाँ रहवासी परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर के हनुमान नगर के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका मानना है कि यहाँ न तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, न ही किसी प्रकार से न नाली है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। आखिरकार कब तक जो है ये लोग परेशान होते रहेंगे। इसमें से कई लोगों का ये भी मानना है कि इन्होंने कई लाखों रुपए का लोन लिया है, उसके बावजूद जो है अब यहाँ रहने को इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन कई कॉलोनियों पर जो है सख्त भी है, जिसमें आज भी एक कॉलोनी में जो है FIR दर्ज की है। आखिरकार इस प्रकार से अवैध कॉलोनियों का यदि जाल बिछता जाएगा तब बुरहानपुर में रहवासी काफी परेशान हो जाएंगे। देखना होगा कि इसमें जिला प्रशासन ने रहवासियों को जो है आश्वासन भी दिया है, लेकिन आखिरकार कब तक इन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी, ये तो आगे सोचने वाली बात होगी। वही गोपाल, अगर बात करें तो लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिस तरीके से वहां मांग पत्र सौंपा गया है और आश्वासन भी मिल गया है कि जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ एक्शन ये लोग ले सकते हैं आगे आने वाले समय में? निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्हें आश्वासन भी दिया गया और आश्वासन के बाद जो है कॉलोनी वासी अब ये आस लगा कर बैठे कि इन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, यदि नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कॉलोनी वासी जो है आक्रोशित रूप धारण करेंगे और लामबंद होने की बात भी कह रहे थे। जी ठीक है गोपाल देवकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।